अब हम क्या करेंगे, सेलेक्शन टूल करेंगे। सेलेक्शन टूल में अपने सबसे पहले तो अपने पास ये वाला टूल होता है। इसमें क्या है, इसमें है पहला रेक्टेंगल मार्की टूल। अब जैसे हम रेक्टेंगल बनाते हैं, इसमें भी ड्रैग करके ऐसे या शिफ्ट दबा के स्क्वायर, ऐसे रेक्टेंगल बनता है। ये बन गया, बट बन के क्या हुआ, एरिया सेलेक्ट हो गया, क्योंकि ये सेलेक्शन टूल है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अब जो भी वर्क करोगे ना, अब तो सेलेक्शन के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। ठीक है, ठीक अब इसमें क्या होता है, क्योंकि अब हम आगे एडिटिंग मोड पे आ गए अब डायरेक्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने इमेज ड्रॉप करी, तो ये इमेज यहाँ पे देखो, साइन दिख रहा है इमेज पे छोटा सा, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एक काम करूं कि इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, मैं इसको डुप्लीकेट कर लूं, ये यहाँ आ जाए, है ना, और अब इसको मैं हाइड कर दूं बैकअप के लिए। ठीक है, और अब जो ये है अपने पास इमेज जिस पे अपने को वर्क करना है, इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा पिक्सल फॉर्मेट में। कैसे, राइट क्लिक करके रैस्टराइज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे आप। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब ये सेलेक्टेड एरिया है। इस सपोज मैं कुछ करूंगा ऐसे, ये देखो, इसी में होगा ये, तो उसी एरिया में होगा, जो भी होगा उस एरिया में होगा, बाहर नहीं होगा वो। ठीक है, इसको पिक्सल में कन्वर्ट करने का रीजन क्या है? एडिटिंग एडिटिंग ऑब्जेक्ट मोड में नहीं होती है, जब वो पिक्सल में कन्वर्ट होती है तभी वो एडिटिंग होती है उसकी। अच्छा, हाँ, अब दो ऑप्शन देखो, अब क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे जब सिलेक्शन हो गया। तो एक तो आप चाहे ये वाली लेयर हो, चाहे मतलब चाहे रेस्टराइज वाली हो, चाहे विदाउट रेस्टराइज वाली हो, आप ऐसे सिलेक्ट करते हो और आप कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दोगे, तो जितना एरिया सेलेक्ट था वो एरिया एक ऊपर की न्यू लेयर में आ जाएगा ऑटोमेटिक निकल के। आ गया, ठीक देखो मूव टूल पे जाते हैं, ये रहा वो एरिया देखो। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दूं या हाइड कर देता हूँ, वापस यहाँ आ जाते हैं। तो ये था अपना सेलेक्शन का कि हमने किया, तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और अगर ये ऐसे रेस्टराइज है, मूव टूल पे जाते हो तो आप इसको मूव भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल जेड, और सेलेक्शन अगर हटाना है ये, तो हम कंट्रोल डी करते हैं सेलेक्शन डी सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल डी। ये देखो सेलेक्ट पे लिख रहा है, डी सेलेक्ट के लिए कंट्रोल डी, ये है सेलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी। आ गया समझ में? हाँ, तो अब देखो ये होने के बाद में अब क्या होता है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है इलिप्टिकल मार्की। जैसे हम इलिप्स बनाते हैं, या तो हम ऐसा बनाते हैं या हम शिप से सर्कल बनाते हैं, देखो। ठीक है, तो ये बन गया अपना इलिप्टिकल। तो अब ये, क्योंकि हम बेसिक शेप अभी हमने करी थी, उस तरीके से ही आ रहा है कि सेलेक्शन, आप बेसिक शेप से सेलेक्शन कैसे कर सकते हो। तब हमने ये किया, तो आप सेलेक्शन इलिप्टिकल वाला भी कर सकते हो, और दोनों तीनों चीजें फिर वही रहेगी जो हम कर रहे हैं। दूसरा, मैंने अभी ये किया लेयर पे, ये इस पे क्लिक था, बट आप इसको चेंज कर सकते हो लेयर पे, मतलब ये अभी सिलेक्शन ही हो रखा है और ये कुछ किया नहीं हमने। मैं चाहूँ मैं यहाँ आ जाऊँ तो ये यहाँ पे काम करने लग जाएगा, मैं चाहूँ यहाँ आ जाऊँ तो भी इसमें काम करने लग जाएगा, मैं चाहूँ यहाँ आ जाऊँ तो ये इसमें काम करने लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया इलिप्टिकल, मैं इसको हटा रहा हूँ कंट्रोल प्लस डी से। ठीक है, फिर क्या आ रहा है आगे, सिंगल रो मार्की टूल। ये क्या करता है, देखो मैंने क्लिक किया, इसने पिक्सल की एक रो को सेलेक्ट कर लिया, देखो दिख रहा है, ये देखो ये रे पिक्सल, एक रो सेलेक्ट हो गई। अब चाहे इस रो के साथ, क्योंकि भाई इतना एरिया सेलेक्ट हो गया, इस एरिया में आप कोई कलर डालना चाहो, मैं बताऊंगा अभी आपको। डिलीट करना चाहिए सेलेक्शन है, तो सेलेक्शन में डायरेक्ट आप कीबोर्ड में डिलीट प्रेस बटन प्रेस करोगे, तो इतना एरिया डिलीट भी हो जाएगा। आ गया समझ में? है ना, ये भी आप कर सकते हो। हटाना है सेलेक्शन तो कंट्रोल डी, वो सेलेक्शन हट जाएगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। इसी तरीके से आ रहा है सिंगल कॉलम। अब क्या होगा, ये कॉलम पिक्सल में आप कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे, देखो। कॉलम ले लेगा। आ गया ना समझ में? अब मैं हटाना है कंट्रोल डी से, मैंने ये हटा दिया। तो ये तो हो गया अपना सेलेक्शन।
सेलेक्शन वाला काम, कि आप इन शेप से आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं।